तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन से पढ़ें। भजन संहिता 34 उसका 17 और 18 पद में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आमेन। सच में हमारा परमेश्वर भला है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी दुहाइयों को सुनता है, हमें विपत्तियों से छुड़ाता है, मुश्किलों से बचाता है। और सच में प्रभु का वचन कहता है कि मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ। सच में हमारा परमेश्वर जिसका हृदय टूटा है, बहुत सारी बातों से परेशान होकर टूटा हृदय रहता है और बहुत लोग पिसे हुए हैं जिनका व्यर्थ लोग फ़ायदा उठाते हैं, जिनका लोग बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं, परमेश्वर उन पिसे हुओं का भी उद्धार करता है। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से दुआ करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने दिन भर संभाल कर परमेश्वर ये समय दिखाया प्रभु, और प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा परमेश्वर, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि सच में आप भले हैं, आप अच्छे हैं और आप करुणामय परमेश्वर हैं, आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आप दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपके अगापे प्रेम के लिए, धन्यवाद कि आपने प्रभु हमारे लिए अपने लहू को बहाया प्रभु जी, और तीसरे दिन मुर्दों में से आप हमारे लिए जिलाए गए प्रभु। धन्यवाद हमें जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु आप इस धरती पर आए परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने हमें स्वर्ग का वारिस बनाया परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि जितने भी लोग परमेश्वर हमें प्रभु मैसेज करते हैं प्रभु, अपने फ़ोन कॉल्स करते हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु व्हाट्सएप में मैसेजेस करते हैं मेरे प्रभु, उन सब की प्रार्थना निवेदनों को मेरे परमेश्वर पिता आपके सम्मुख लेकर आती हूँ परमेश्वर पिता, और आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक की प्रार्थना का उत्तर आप उन्हें दे परमेश्वर प्रभु। यदि कोई बीमारी में है प्रभु, किसी भी विपत्ति में है प्रभु, अपने वचन के अनुसार प्रभु उस विपत्ति से आप उन्हें छुड़ाए परमेश्वर, उनके प्रभु बिगड़ते हुए कामों को आप बनाए परमेश्वर पिता प्रभु। जो लोग जॉब चाहते हैं परमेश्वर, आप उनके जीवन में अच्छी जॉब्स को दें प्रभु, अच्छी अपॉर्चुनिटीज को दें परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन जो लोग प्रभु प्रभु अपने घर परिवार में प्रभु लड़ाई झगड़े से परेशान है परमेश्वर, और पिता उनके परिवार में बहुत ज़्यादा कलेश रहता है परमेश्वर पिता, आप इन विपत्तियों से उन्हें बचाएं प्रभु अपने जीवित वचन के अनुसार प्रभु जी। जबकि मारपीट लड़ाई झगड़ा घर पर होता है प्रभु, आपका वचन कहता है कि मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ और पिसे हुओं का उद्धार करता हूँ प्रभु जी। आप उनके टूटे मन वालों के समीप रहिए प्रभु, आप उनके हृदय को आप उनको प्रभु जी संभाले प्रभु, उस दुख से निकाल कर प्रभु उन्हें अपने शांति और आनंद दे परमेश्वर पिता प्रभु। आप उनके संग रहें परमेश्वर, आप उनके घावों को प्रभु उनके घावों पर मरहम लगाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो लोग बीमार हैं प्रभु आज के दिन में परमेश्वर पिता, हर एक विपत्तियों से परमेश्वर आप उन्हें छुड़ाएं, अपने वचन के अनुसार वो सारी बीमारियाँ उनके जीवन को छोड़ कर चली जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग कर्जे में हैं परमेश्वर पिता, आप उनके कर्जों को प्रभु जी अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु जी, अपने स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर पिता आप उनके कर्जों को चुकाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जिनके बिजनेस में प्रभु बढ़ोतरी नहीं हो रही है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा घाटा चल रहा है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु आप उनके बिजनेस पर प्रभु इंक्रीमेंट करें प्रभु, आप उनके बिजनेस को बढ़ाएं परमेश्वर पिता, और पिता परमेश्वर ताकि आपके नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर। प्यारे खुदावन जो लोग प्रभु जिन लोगों का प्रभु लोग व्यर्थ फ़ायदा उठाते हैं परमेश्वर पिता, और पिता परमेश्वर उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी करते हैं पिता, यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका कहता है कि मैं पिसे हुओं का न्याय करता हूं प्रभु जी, आप पिसे हुओं का उद्धार करते हैं परमेश्वर, आप उन लोगों की सहायता करें, आप उनके रक्षक बने, आप उनके प्रभु सहायक बने परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन हम प्रार्थना करते हैं हर एक उस बच्चे के लिए परमेश्वर पिता जो नशे की लत में है प्रभु पिता, नशे से छुटकारा उन्हें दे प्रभु जी, नशे की आदत से प्रभु उन्हें छुटकारा दे प्रभु, नशा उनके जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्यारे प्रभु आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है, कोई भी विपत्ति बड़ी
नहीं है प्रभु, जिसके जिसका प्रभु आप प्रभु सॉल्यूशन ना कर सके परमेश्वर। प्रभु जरूरी है परमेश्वर कि आप उनके जीवनों में कार्य करें प्रभु जी। पिता आप उनके जीवनों को छुड़ाएं, उनको बचाएं परमेश्वर, उनका उद्धार करें परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन जो लोग प्रभु अपने घर बनाने के लिए चिंतित है परमेश्वर, आप उनके घरों को बनाएं परमेश्वर, आप उनके लिए योजनाओं को बनाएं परमेश्वर पिता। और पिता परमेश्वर उनकी सहायता और मदद करें प्रभु। पिता परमेश्वर जो लोग प्रभु अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं प्रभु, अपने परिवार को लेकर, अपनी सेहत को लेकर, और ना जाने प्रभु कितने प्रकार की परेशानियां उनके जीवन में है, प्रभु यीशु आप उन सारी परेशानियों से उन्हें प्रभु छुटकारा दे प्रभु, और उनके मन के समीप रहें, उनके टूटे मन को प्रभु आप जोड़े परमेश्वर पिता। जिनके रिलेशनशिप में गड़बड़ियाँ चल रही हैं यीशु मसीह आप उनके रिलेशनों को जोड़े परमेश्वर। परिवारों में प्रभु हर एक कलेश जाता रहे प्रभु, आपका आनंद शांति और भलाई प्रभु आपके हर एक के परिवार में आए परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन आप प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, आपने हमारी सारी प्रार्थना को सुना प्रभु, हर एक की सुधि ली प्रभु, और पिता सबके जीवनों में प्रभु आप आशीष दें प्रभु। आज की रात प्रभु अच्छे से सोने में सहायता और मदद करें, अच्छी और मीठी नींद प्रभु हर एक को दें परमेश्वर पिता, ताकि सुबह उठकर हर एक प्रभु आपके नाम की महिमा करे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।